अगर आपका लड़का कहे कि मैंने लड़के से ही शादी करनी, लड़की कहे मैंने लड़की से ही शादी करनी, तो आप उनके साथ क्या करेंगे? बेटे मैं उसको जमीन से, मैं उसको जितना बाग लाहौर में पेट्रोल है ना उसको बाग है, मैं आग लगा कर जला दूँ। अच्छा चलो समझ, यही बात यार, मेरी बेटी है बच्चे हैं, ये अल्लाह पाक ने देखो हक जो हो जाए ना फिर वो आती है, हो जाए हुकूकियत वो आ जाती है। हर मैं भी छः बच्चों का बाप हूँ, दादा बन गया नाना बन गया, ये शरीयत के खिलाफ है, ये जो कौम को लेके जा रहे हैं ना ये सलाम को कमजोर कर रहे हैं। क्या एक बाबा बाबा से शादी कर सकता है? बाबा बाबे की शादी कर सकता है? मुझे बताएं अगर आपकी, ये आपकी बेटी है? अच्छा, अगर ये कहे कि मैंने लड़की से ही शादी करनी तो आप क्या करें? तो मैं कहूँगी लाना थे, लूत अलैहिस्सलाम का जमाना आ गया दोबारा। अच्छा, अगर आपका बेटा कहे कि मैंने लड़के से शादी करनी है तो फिर आपकी क्या राय है? बेटे अगर मेरा बच्चा या कोई मेरी बच्ची या कोई भी इस तरह की मतलब कोई बात करे तो मैं उसको जिंदा ज़मीन में गाड़ दूँ, क्योंकि वो मेरे अल्लाह के दीन के साथ खेल रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है वानिया बारछोड़, आप अपना चैनल देख रहे हैं मुसलमान पाकिस्तान। और जैसा कि आपने इस तरह की खबरें सुनी होंगी कि इस्लामिक कंट्री में एक ऐसा कानून पास कर दिया गया है जहाँ पर लड़का लड़की से शादी कर सकता है और लड़की लड़की से, ऐसा कानून पास किया और जायज़ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हम लोगों से जानते हैं कि उनकी राय इसमें क्या है। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक बेटे। अच्छा जी, मुझे बताएं कि अगर आपको ये अंकल पसंद आ जाए तो क्या आप इनके साथ शादी कर सकते हैं? बेटे ये तो शरीयत के भी खिलाफ है ये, नो, ये जो आपने ये जो बिल पास करा रहे हैं ना, ये पाकिस्तान को ये समझे कि ये अल्लाह ताला उन लोगों को कभी माफ़ नहीं करेगा। लेकिन हुकूमत ने ये जायज़ कर दिया, बाबा बाबे से लड़का लड़के से शादी कर सकता है, अगर आपको ये पसंद आ गया तो आप नहीं करेंगे? बेटे मेरे, मैं आपकी बात को समझता हूँ, अब अगर मुझे पसंद आ गया, ये आप मेरी बेटी हैं, आप समझ सकती है, ये पता क्या बात है, ये अल्लाह पाक ने एक जुज बनाया हुआ है नर और मादी का, समझ गए, ये दोनों नर एक दूसरे पर ये तूफान आ जाए ज़मीन पट जाए, समझ के मेरी बात समझ लिए बातें जो मैं आपको बता दी। जी 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 ठीक, समझ के बात, ये ख्वाजा सराव ने जो लेके आज बातें आ रहे हैं ना, आप बताएं मुझे, बताता हूँ, ख्वाजा सराव ये लेके आ रहे हैं ना, ये सारा उनकी हरकत है, ये सारी इसराइल की हरकत है, यूरोपियनों की बात, एक मिनट बाबा जी, यूरोपियनों की हरकत है, पाकिस्तान में पाकिस्तान को तीन से सलाम से कमज़ोर करना चाह रहे हैं, समझ के बात, असल में आपको मैं बेचकर बात बता रहा हूँ, ये उनका टारगेट है यूरोपियनों का, ये पाकिस्तान को सलाम को हटाना चाह रहे हैं दुनिया को, ये कैसे हो सकता है बेटे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, मुझे बताएं अगर आपकी, ये आपकी बेटी है? अच्छा, अगर ये कहे कि मैंने लड़की से ही शादी करनी तो आप क्या करें? तो मैं कहूँगी लाना थे, लूत अलैहिस्सलाम का जमाना आ गया दोबारा। अच्छा, तो लेकिन फिर भी क्योंकि हुकूमत ने ये कायम कर दिया वैसे लड़का लड़की से, लड़की लड़की से शादी कर सकता है, तो अगर आपकी बेटी वहीं पे रहे कि नहीं मैंने करनी लड़की से शादी है तो आप क्या करें? नहीं नहीं, जब कुरान में मना है तो फिर उन पे अजाब आया था ना, अभी पंजाब पे भी अजाब आया ना थोड़ा सा, अभी देखे कहाँ कहाँ आता है। चलें ठीक है, तो आप अपनी बेटी के साथ फिर क्या करेंगे अगर वो ना माने? मैं तरबियत ही ऐसी नहीं दूंगी ना जो उसको आगे जाके इस तरह की कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। जिसने भी एक्ट ये पास किया है वो बड़े नामुराद है जी, और वो बड़ा बदबخت है जी। जी, क्या एक बाबा बाबा से शादी कर सकता है? बाबा बाबे की शादी कर सकता है? हाँ। वो कैसे करेगा बाबा? तो गया हुकूमत ने जायज कर दिया, तो आप इसके बारे में क्या राय देना चाहिए? कर सकता है? कुछ नहीं, वो हो ही नहीं सकती शादी, कैसे कौन करेगा? जब जायज हो गया कानून ने ये कर दिया तो आप क्या हो नहीं सकती, वो नहीं जायज करने वाले खुद काफर है, खुद काफर है, मतलब कि अब वो कह रहे हैं कि बाबा बाबा से शादी कर सकता है, ये तो फिर गलत है। हम जिन परस्त हो गए ना, हाँ वो शादी नहीं हो सकती, वो हम जिन परस्त होएगा वो सीधा दोजख में जाएगा जी। हालांकि ये बाहर के ममालिक यानी इंडिया वगैरह में ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है, बाहर के ममालिक में हम नहीं जानते, हम तो अपने मजहब के मुताबिक चलेंगे, लेकिन यहाँ पर तो जायज हो गया। नहीं, जायज नहीं हो सकता, जिन्होंने कानून पास किया वो खुद इसकी सजा भुगतेंगे वो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह का। अच्छा जी, मुझे बताएं अगर आपका लड़का लड़के को घर लेकर आए और कहे आपकी नूँह आई और अगर आगे से वो लड़का हो तो आप क्या कहेंगे? मैं तो उसके मुंह पर थप्पड़ मार के उसको घर से बाहर निकाल दूंगी। अब वो इसी पे डटा रहे कि मैंने करनी ही लड़के से शादी है तो मैं बेदखल कर दूंगी उसको जी। तो फिर आप इसके बारे में हुकूमत को क्या करना चाहिए? कितनी बड़ी बेवकूफ़ी का काम है कि हमारे इस्लाम में ये चीज़ें जायज़ ही नहीं है जो हुकूमत सब सिलेक्ट कर रही है, ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ों वाला काम है कि एक लड़का लड़के से शादी करेगा, इससे बड़ी जलालत और क्या हो सकती है, ये क़यामत की निशानी है।
जी चले। और अगर आपकी लड़की कहे कि मैंने लड़की से ही शादी करनी है? देखिए मेरी बहन, ये बात बहुत बड़ी बेवकूफ़ों वाला काम है, इसके खिलाफ हम लोगों को उठाना चाहिए कदम। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, इस्लाम में कौन कहता है कि ये ऐसा काम हुआ है। यहाँ पर मैंने ट्रांसजेंडर एक्ट के बारे में लोगों से बातें की, आपने जानी है। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी मौजूद है तो फिर आप हमसे शेयर कर सकते हैं, जो आपके पास नंबर है आप उस पर रब्ता करें। मैं आपकी होस्ट वानिया, थैंक यू।